यार एक तो ये टू टू ही लड़ गए सागो देसी बंदे हैं एक तो कितो बेल्टा बद्दू अजाब जावे ने कसम खुदा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये मैं अभी रास्ते में आया हूँ, ये हमारी बिजली नहीं होती मुल्क में और इधर स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, ये हमारे मुल्क का हाल है जी। ये देख लें आप, दिन को रात को लाइट नहीं है, ठीक है, और इधर दिन को जी स्ट्रीट लाइट्स ऑन है कि जी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है, क्योंकि ये सुबह को भी नहीं देख सकती तो इनके लिए इंतजाम किया जाए फौरन। अच्छा सा अच्छा, ठीक है ना जी। ऊपर बड़ी पार्टी के झंडे झंडे, ये वो इलेक्शन होता नहीं इधर, और झंडे झंडे ऐसे दिलवा रहे हैं कि अल्लाह माफ करे। और आज मैंने समझा हुआ था कि पेट्रोल बढ़ गया है, लेकिन नहीं, अभी वही 306 पे ही है, कल तक बढ़ जाएगा मुझे उम्मीद काफ़ी है। मैं सिर्फ दिखाना आपको, ये फोकस करके दिखाता हूँ, ये स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, ठीक है, साइड पे तो नहीं है, ये सामने, चाहे एक है चाहे दो है, ऑन तो है ना, ये हालात है जी। देख लिया आपने, अच्छा हैंड ब्रेक हमने कैची हुई, ये जी हालात है मुल्क के, क्योंकि अपना जी मुल्क में बिजली रात को लाहौर में भी नहीं होती वैसे, तो ये सिचुएशन है। मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, व्लॉग भी यहीं से शुरू करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ रास्ते में मिल गई, बाकी आपको दिखाते हैं, एक दो काम है वो करते हैं, उसके अलावा जी एक दो मुन्ने को भी मिलना है आज, ठीक है। यार ये बाल जो है ना बड़े सफ़ेद हो गए हैं, अभी से कहना शुरू हो गया है बाबे हो गया बुढ़े हो गया, अभी मेरी उम्र ही क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तो बच्चा हूँ मैं, तो बस अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लाहौर की ट्रैफिक वो अरूज नहीं रहे उसके ट्रैफिक के, क्योंकि पेट्रोल कल से और महंगा हो जाएगा, जो फजूल की मटर गश्ती हैं ना लाहौर में बैठे बैठे बंदे के पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि जब गाँव की लाइफ जो है उधर ये है कि आप इधर ऑनलाइन ऑर्डर और ये वो, इधर तो बहुत रोला है ना, बहुत खप, बहुत पैसों की खप, उधर तो कुछ भी नहीं है, जो घर में है या फिर आगे पीछे से मंगवा लिया तो चल गया काम, इधर तो मेरी तौबा, पैसे की पता नहीं, बंदे का कोई दो नंबर काम होने चाहिए तो फिर कोई जाके बंदे के, आजकल के जो हालात इन्फ्लेशन हुई हुई है वो तो कभी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल यहाँ गुजारा कर सके। खूबसूरती है कि ग्रीनरी बहुत है, बहुत ग्रीनरी, इन्होंने प्लांटेशन जो की हुई है ना रोड्स पे, नहर वाला जो रोड है वो तो दिल है लाहौर का, इधर भी अब ये नया रोड 3-4 साल हुए बने हुए, लेकिन इधर भी ग्रीनरी बहुत है माशा। वलेंशिया में हमने खाने आ गए, कुछ खाते हैं, ऑर्डर किया है हमने, खाते हैं फिर बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है इनका। और यहाँ से भी ऑर्डर किया हमने रावी काबली पुलाव, ये देखते हैं कैसा है गाड़ी में। ये जी काबली पुलाव भी आ गया, देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाएंगे तो पता चलेगा कैसा। वलेंशिया में मैं आया हुआ था, मैंने कहा हम खा लें, मुझे भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, ये टेस्ट करते हैं, अभी पहले भी कर लिया आपसे पहले। ठीक है, नॉट बैड, भूख लगी हुई तो फिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक जरा बोटी भी तो लेना, बोटी के साथ देखो जरेला है, पता नहीं क्या जरेला कहता हूँ, गाजर, मीठी मीठी आया है। ये जी पीस आ गया, लेग पीस, वो बिरयानी जो थी ना वो तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, ये फिर भी कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है बारबेक्यू है, कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होगा, उसको खाते हैं फिर, अब नहीं दिखाएंगे आपको, फिर नजर लगाएंगे आप। ये जी हमने खाना खाया इधर वलेंशिया से, इसी साइड पे आए हुए थे क्योंकि मैं सुबह से खाना नहीं खाया हुआ था। यार एक तो ये टू टू ही लड़ गई है सागो देसी बंदे हैं एक तो कितो बेल्टा बद्दू अजाब जावे ने कसम खुदा दी, लाहौर मुल्तान भला चलान दे खर्चा नाल भला स्पीड ओवर सी फलाना ते ढींगना, तो ये हालात होते हम जैसे देसी लोगों के ना, बहुत से मसाइल होते हैं।
बर्गर भी दो दिन खाए ना तो तीसरे दिन रोटी की तलब होती है, दाल की तलब होती है, दाल माश की तलब होती है, दाल धोती दाल की होती है, मतलब गोश्त हो रहे हम, ये बर्गर शर्गर खाए एक दो दिन तीन चार दिन ना जरा बंदा भूत भात मारता है, हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, तो तीसरे दिन ना बस हुई पड़ी होती है। वही हालत हो गई थी मेरी, वही दाल माश मिल नहीं सकी, काबली पुलाव मंगवा लिया और उसके साथ हमने क्या मंगवाया जी अपना पीस, ठीक है जी, लेकिन मजा था। काबली पुलाव नहीं अच्छा था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है किसी काम का नहीं बिल्कुल, मतलब ठंडा यख और जो बोटी थी ना उसकी वो भी सख्त। अच्छा जो चिकन खाया वो अच्छा था, ओलू के पटा इतना ढीला वेटर था ना, ठीक है उसको पता ही नहीं था हम कहाँ है कहाँ नहीं है, ये वो बस ये सारी सिचुएशन चल रही है। अब हम जा रहे हैं मुन्ने से मिलने, उससे आपकी मुलाकात करवाएंगे, ठीक है ना जी, ओके चलो मिलते हैं। ये हम ये वैलेंशिया की मॉस है, ये हम इधर देखने के लिए आए हो तो बहुत बड़ी है माशाल्लाह ना, बहुत वसी, इधर आपको दिखाते भी हैं, बहुत ही अच्छा कमाल माशाल्लाह, ग्रैंड मॉस इसका नाम है, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह। इधर कभी इंशाल्लाह जुमा भी पढ़ेंगे हम, जिंदगी रही तो जरूर इंशाल्लाह। ये इसका फ्रंट व्यू है, देखिए आप कैसा लग रहा है आपका, बहुत बड़ी मॉस्क है माशाल्लाह, अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, अभी भी बन रही है। ये इसका सारा फूड स्ट्रीट टाइप है सारा, इधर जेड कैफे और ये सारी चीजें ना, बड़ी मजे की जगह। वैसे यही चीजें हम देखने के लिए आए हुए थे, हमने कहा चलो ये भी आज दिखा देते हैं आपको जी। मुना भाई आ गए हैं, मुना भाई को पिक किया हमने और हमने ये अस्सलाम गाइस कैसे हैं, ठीक है। ये सही सा को मिलता नहीं, ये बड़ा वड्डा बंदा बढ़ गया भाई, सही दबी रह सको यार। फिर हम इधर आ गए जी चाय कवाली पे, इधर चाय शाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, और कोई काम है नहीं हमें तो वाल तक पते चाह पीवण दा, हमाचे समाचे दा होने कह नहीं, सोफे मोफे होना नहीं पारो ते वाला इंजॉय करें ने तो को भी नाल चाह पिले सुडसेसो की में सा कुछ आ लेगी ये ते की मजा आए के नहीं आया, ठीक है जी। मुन्ने भाई के साथ अभी कंपनी करते हैं फिर आपको बताते हैं। चाय पी रहे हैं, हाँ भाई चाय सही है चास आ गई है, पाड़ो पाड़ो जी। हमने अदनान भाई मुन्ना भाई दुबई वाले इनसे मिल लिया है और इनको दोस्त के घर छोड़ा है, अभी इन्होंने उनके साथ गपशप लगानी थी तो अब हम अपने घर जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो फिर मिलते हैं कल, मिलते हैं या प्लान बनाते हैं या फिर जैसे भी है। पैसे लग दें दो शुगल मेला है, ऐसे शुगल मेले में हम भी जरा चलो हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे, चलें मिलते हैं आपको।